नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ आपके साथ प्राची पारशर। माना जाता है कि इंसान को सुबह या शाम को जितनी देर हो सके मौन रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है और मौन रखने से हमारी जिंदगी में क्या क्या फर्क पड़ता है ये आज बताएंगे आचार्य जी, और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। चुप रहने के बाद भी बोलता है कोई, किस्मत के ताले खोलता है कोई। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से मौन के कौन कौन फायदे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए आचार्य जी, सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072, मास चल रहा है आषाढ़ का और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है हस्त, योग है शिव और करण है तैतिल। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्चाधिकारियों के कारण आज की दिनचर्या में नौकरी पेशा लोगों के कुछ कष्ट बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको पहले से कहीं ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता आज पड़ सकती है। जो व्यापारी बंधु हैं उन्हें भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। सरकारी तंत्र से कोई बाधा, कोई समस्या आपके काम में आए, ऐसी स्थिति आपके लिए भी बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी परिस्थिति में अपनी तरफ से आप कठोर व्यवहार ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में जोश और उत्साह का भाव बनाए रखने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या में आपको धन और नाम, कीर्ति और प्रसिद्धि दोनों की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बौद्धिक कार्यों में आपका मन कम लगने वाला है। परिवार से उपहार व सम्मान का लाभ मिले, ऐसे संयोग आपके लिए बनते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अपने जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को बनाए रखें, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर पाएंगे। आपको अच्छा लाभ और सफलता प्राप्त हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, कोई रोग आपको परेशान कर रहा है, तो उसे नजरअंदाज, उसको अनदेखी आप बिल्कुल भी ना करें। और चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध आपके लिए बना हुआ है। निराशा के भाव आपके अंदर आने के कुछ योग बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तनाव को किसी भी प्रकार से आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ऋतु में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ सर्द गर्म से होने वाले रोग आपको शीघ्र ही प्रभावित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के दबाव से आप व्यर्थ की भागदौड़ आज झेलनी पड़ सकती है आपको। तो मानसिक तौर पर आज आपको कुछ तनाव और कुछ परिश्रम के लिए, भागदौड़ के लिए
तैयार रहना पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सांप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए वक्त हो गया है कॉलर लेने का। हमारे पहले दर्शक राम अवतार चुरू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम अवतार, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। गुरु जी, मेरे इतने वर्ष हो गया, अभी काम धंधा नहीं हुआ मेरा जी। बहुत काम कोशिश कर ली, मेरे कर भी है गुरु जी, तो परेशान हूँ रखा गुरु जी, जो भी काम करता हूँ हो ही नहीं रहा हूँ जी। बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। जन्म विवरण है 1967 जी, 7 जुलाई जी। समय है गुरु जी 0017। जन्म का स्थान बता दें। जन्म का स्थान है सुजानगढ़, 10 जुलाई है। बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में कुछ योग ऐसे हैं जिसका जब तक निदान न किया जाए तो कहा जा सकता है खासतौर पर आप अपने व्यापार को लेकर के बहुत परेशान रहेंगे। नौकरी आप चाहें तो छोटी मोटी कर सकते हैं, नौकरी में भी आपको बहुत प्रगति नहीं मिलेगी। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल केतु का योग जो है ये बहुत ही अनिष्टकारी योग बन रहा है, इससे आपके किसी भी संबंध में यहाँ तक दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज़्यादा तालमेल की स्थिति नहीं बन पाएगी, बहुत मंगलमय दाम्पत्य जीवन भी नहीं चलेगा, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वह संबंधों का स्थान होता है। चाहे आप पति पत्नी संबंध की बात कर लें या बिजनेस पार्टनरशिप, किसी भी प्रकार के व्यापारिक संबंध की बात कर लें, तो खासतौर पर पार्टनरशिप बिजनेस में आपको नुकसान और धोखे की स्थिति रहेगी। अगर आप कुछ खुद से व्यापार भी करना चाहेंगे तो ये मंगल केतु का जो योग है ये आपको बहुत परेशान करेगा, इस पर राहु की दृष्टि है, तो समय रहते मंगल केतु और राहु का आपको जाप करा करके निदान कराना चाहिए, तब कह सकता हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। भगवान श्री हनुमान भी इस समय की वर्तमान दशा चंद्रमा की दशा को देखते हुए भगवान श्री हनुमान और भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम कही जा सकती है। और माया अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी माया, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो जी, मेरा जन्म तिथि 18 दिसंबर 85, समय प्रातः 9:45, जन्म बागेश्वर। इसकी सरकारी नौकरी कब लगेगी? इसने पीएचडी की है, उच्च शिक्षा में कैसा भविष्य रहेगा? धन्यवाद जी। बिल्कुल, देखिए पीएचडी इन्होंने कर तो जरूर ली है, उसमें भी कुछ विघ्न और बाधा जरूर आई होगी। और जहां तक सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी के जो योग इनकी कुंडली में दिखाई देते हैं वह 17 नवंबर 2015 के बाद से ही वो योग बन रहे हैं। अभी इनको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास के बावजूद भी असफलता का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निराशा अपने अंदर मत आने दीजिए, आप प्रयास करते रहें, आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा उसमें विलंब जरूर दिखाई देता है, वर्तमान दशा जो चल रही है वह शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा है। शनि इनके लिए लग्न भाव और दूसरे स्थान के स्वामी होकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पूजा आपको भी भगवान गणेश और देवी दुर्गा की करनी चाहिए। इस योग का लाभ आप भगवान गणेश और देवी दुर्गा की पूजा आराधना करके प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन सिंह अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी जीवन सिंह, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाह रहा था आचार्य जी, इसकी जन्म तिथि है 24 जून 2004 जी, और जन्म रानीखेत उत्तराखंड, 4:50 शाम के समय जी। इनके भविष्य और पढ़ाई के बारे में और कोई जॉब वगैरह के बारे में, भविष्य में क्या करना चाहिए, पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, इसको बता दीजिए जी। बिल्कुल, देखिए इनकी जो भी पढ़ाई होगी वह तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई होगी, सीधा इनका ऐसा संयोग बनता है। और वर्तमान समय में मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा है, इस दौरान आपको इनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। सिर में कोई गंभीर चोट लग जाए जिसमें कुछ टांके भी आए, स्टिचेस लगें, ऐसे योग इनके लिए बने हुए हैं, ऐसे योग चल रहे हैं, तो इस दौरान इनके स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पढ़ाई इनकी ठीक ठाक हो जाएगी, नौकरी के समय में थोड़ी सी बाधा जरूर रहेगी, संघर्ष की स्थिति रहेगी, तकनीकी विषयों में इनको शिक्षा दीक्षा करनी चाहिए, वही इनका कार्य क्षेत्र बनेगा।
अजय हरिद्वार से अगले दर्शक जुड़ गए हमारे साथ जी। अजय बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो जी बताइए। हाँ पंडित जी, मैं इसको अजय चतुर्वेदी बोल रहा हूँ हरिद्वार से। हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ, बोलते रहिए। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1978। हेलो हाँ पंडित जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं काम क्या करूँ। मैं वैसे तो म्यूजिक लाइन है, लेकिन जब भी कोई काम करता हूँ मेरे को उसमें नुकसान हो जाता है, बिजनेस कर रहा हूँ नुकसान हो जाता है मेरे को। जी बिल्कुल, जन्म का समय और स्थान बताइए। 10/10/1978 और रात 12:35 का जन्म है हरिद्वार का। देखिए आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, जैसा आपने बताया आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र का संयोग चतुर्थ स्थान में ये योग बन रहा है, और जिसकी दृष्टि आपकी कुंडली में कर्म भाव पर है, तो इससे यूं समझा जा सकता है कि आप सीधे तौर पर इस क्षेत्र में नहीं होंगे, ये आपका पेशा नहीं होगा, आपकी ये हॉबी हो सकती है, आपका एक स्वभाव हो सकता है, आपके अंदर एक नैसर्गिक गुण हो सकता है, आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। हर बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में कम्युनिकेशंस के लिए कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, पीआर के लिए कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में प्रयास करें, आपको अपना व्यापार भी बहुत अच्छा लाभ नहीं देगा, क्योंकि शनि की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, जो आपके लिए सप्तमेश और अष्टमेश बन रहे हैं और सिंह राशि में दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं, तो अपना व्यापार भी उतना अच्छा लाभ नहीं दे पाएगा जितना अच्छा प्रदर्शन आप नौकरी में कर पाएंगे। और खासतौर पर अगर आप बिजनेस रिलेशंस देखते हैं, पीआर देखते हैं, किसी व्यक्ति का ही क्यों ना हो, तो आप उसमें बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो अगर अभी आपने इस विषय में नहीं सोचा है, तो कोई अभी आपके लिए उम्र गई नहीं है, 2 साल की मैनेजमेंट की डिग्री होती है इन विषयों में, अगर आप करना चाहें तो इसको करके आप अपने भविष्य को निश्चित तौर पर बना सकते हैं। और वर्तमान दशा जो है ये राहु की महादशा आपके लिए चल रही है, तो इसमें आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा कि हर कदम पर विघ्न और बाधा का सामना आपको करना ही है। 7 रत्ती का एक आप सिलोनी गोमे चांदी में बनवाइए, और बुधवार या शनिवार के दिन दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको उसे धारण कर लेना चाहिए, आपको काफी अच्छा लाभ मिल जाएगा। नियमित दिनचर्या में भगवान श्री हनुमान और महादेव की पूजा आराधना आप करें। और अतुल गोंडा से अगले दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जी। अतुल बताएं क्या सवाल है आपका। मैम मेरा जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/6/1996। एक बार फिर से दोहराइए। 26/6/1996 जी। 26/6/1996 बिल्कुल बिल्कुल, आगे बताइए जी। जन्म स्थान बिहार जी। जन्म स्थान बिहार। समय बताएं, बिहार बहुत बड़ा है, तो जिला बताइए जी। मुझे ये जानना था, मुझे बिजनेस करना तो जी, मुझे बिजनेस करना था, तो ये बताइए बिजनेस कौन सा मैं करूं तो सक्सेस होगा। जन्म का समय बताइए। अच्छा हो सकता है। जन्म का समय बताइए। जन्म का समय 12/1 के बीच। दिन का या रात का? रात का। रात का। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि आपको अपना कार्य क्षेत्र नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव जो है वह चंद्रमा और राहु के साथ पीड़ित है, लग्न में शनि और केतु का संयोग बन रहा है, और दशम स्थान जो है वह बृहस्पति का स्थान है, वहां बृहस्पति देवता वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। ऐसे में आपके लिए जो कार्य क्षेत्र बनता है इसे आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और लिख लेना चाहिए। इसमें खाने पीने से जुड़ा हुआ बिजनेस, व्यापार, रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ बिजनेस वो आता है, ट्रेवल से, मनोरंजन से, घूमने फिरने से जुड़ा हुआ जो काम है, चाहे वो होटल बिजनेस हो, ट्रेवल की लाइन हो, वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। ट्रेवल में सीधे तौर पर गाड़ियों का काम नहीं, ट्रेवल में आप टिकट बुकिंग और उसके अलावा बाकी जो अरेंजमेंट होते हैं, टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, पैकेजेस, ये आप अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज आपके लिए वित्तीय संस्थाओं में, फाइनेंशियल जो भी कंपनीज हैं उनमें कोई नौकरी और अपने लिए जगह तलाशनी चाहिए, उसमें अपनी योग्यता के अनुसार आप काम कर सकते हैं।
अगर बिजनेस और व्यापार करना है तो स्टेशनरीज या अध्ययन सामग्री जो चीजें होती हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, कॉपी किताब बुक्स स्टेशनरीज, उनसे जुड़ा हुआ आप कोई व्यापार कर सकते हैं। ये सारे क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए असहयोग की भावना आज की दिनचर्या में आप में बहुत अधिक रहने वाली है। ये आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है, तो ऐसी भावना को आपके ऊपर हावी होने से आपको स्वयं को अपने आप को बचाना होगा। हमेशा लोगों के साथ सहयोग की भावना रखने का आपको विचार और व्यवहार रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश से बचने की आवश्यकता है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने मित्रों पर इस अवधि में विश्वास किया जा सकता है। वाद विवाद के स्थानों से स्वयं को दूर रखने की आपके लिए इस समय में आवश्यकता है। आपका प्रयास भी यही होना चाहिए कि जहां कहीं वाद विवाद की स्थिति बनने लगे आप वहां से हट जाएं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई बड़ा अनुबंध करने से भी बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले तनाव और विवाद का कारण आज की दिनचर्या में भी आपके लिए बने रहेंगे और पुराने समय से भी ये स्थिति आपके लिए चली आ रही है, तो बेहतर होगा कि पैतृक संपत्ति का जो कुछ भी विवाद है आज उसकी तरफ आप ध्यान ना दें। अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपनी नौकरी में लगाएं तो आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। यानी किसी भी काम को करने के पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। परिस्थितियां जैसी आपको अपने अनुरूप ठीक लग रही हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और किसी भी प्रकार का तनाव लेने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को अपने कामकाज से आज आप खुश नहीं लगते दिखाई देते हैं। आपके प्रति आपके उच्चाधिकारियों की भूमिका भी आज कुछ संदेहपूर्ण बनी हुई है, तो आज आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपने काम में अपने प्रदर्शन को आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना है। ये विचार, ये व्यवहार आपको रखना है, पूरी तरफ से अपना प्रयास ये करना है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना 100% दे पाएं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और कटु वचन बोलने से इस दौरान बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य को इस दौरान आपको दोषी बिल्कुल भी नहीं ठहराना चाहिए। भाग्य का भरपूर आपके साथ साथ बना हुआ है। आपको असफलताएं जो मिल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका आपके प्रयासों की है। पूरी तरीके से, पूरे मन से आप प्रयास नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण से आप असफल रह जाते हैं, तो आज की तिथि में कम से कम आपको पूरे मनोयोग से प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हवये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज छोटे मोटे लाभ प्राप्त करने के लिए या क्षणिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को धोखा देने का विचार बिल्कुल भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पूरी दिनचर्या में हमारे धर्मशास्त्रों में दो ऐसे समय और कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं कि जिनका पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर आप पूरी दिनचर्या में कुछ समय के लिए मौन व्रत धारण करें यानी कुछ ना बोलें, तो उसके बहुत अनन्य लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि वो दो समय पूरे दिन में
कौन से हो सकते हैं और इसके पीछे कारण क्या है। हमारी हिंदू संस्कृति में कई ऐसे नियम बताए और बनाए गए हैं जिनका पालन करने पर हमें स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ धार्मिक रूप से भी लाभ प्राप्त होता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बताए गए इन कार्यों को दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई परिस्थितियों से मुक्ति भी मिल जाती है। हमारी काफी ऊर्जा बोलने में नष्ट होती है, इस ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए प्रतिदिन कुछ समय के लिए मौन रहना बताया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी आज्ञा हमें मिलती है, ऐसा संदेश हमें प्राप्त होता है कि अगर पूरे दिन में हम अगर कुछ समय के लिए मौन व्रत धारण करें तो ये हमारे परिवार के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य और हमारी अपनी अन्य गतिविधियों के लिए भी कई दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। वैदिक काल से ही हमारे ऋषि मनीषियों और विद्वानों द्वारा मौन रहने के फायदे बताए गए हैं। सुबह और शाम के समय में यानी संध्या काल के समय में कुछ समय मौन रहने से हमारा मानसिक तनाव तो कम होता ही है और हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ प्राप्त होता है। अब बात यह आती है कि सुबह कौन सा समय हो ये आप कैसे चयन करें और सायंकाल के समय का चयन कैसे करें, तो शास्त्रों के अनुसार प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय आप उठते हैं और सायंकाल संध्या के समय में कहते हैं कि 2 घंटा 24 मिनट का समय जो होता है वो प्रदोष वेला गुधुली वेला का प्रदोष काल कहा जाता है, जिस समय सूर्यास्त होता है, सूर्य के अस्त होने से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट का ये काल होता है। तो अगर इस दौरान आप अपने क्षमता अनुसार, आपको कोई समय की बाध्यता नहीं दी जा रही कि आपको 2 घंटे मौन रहना है, जैसा भी आपका काम आपकी दिनचर्या आपको आज्ञा देती हो, जैसा आपका शरीर आपको आज्ञा देता हो, आप उस हिसाब से मौन व्रत धारण कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जितनी देर के लिए संभव हो सके अगर वो उस दौरान मौन व्रत धारण करता है तो उसे लाभ मिलता है। दिन भर के कई आवश्यक काम मौन रह करके भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार से, इस विधि से मन को तो शांति मिलती ही है, उसके साथ साथ ध्यान, पूजा, स्वाध्याय इत्यादि से आपको मानसिक शक्ति भी प्राप्त होती है। सुबह सुबह मौन रहने से हमारा मन एकाग्र होता है और प्रतिदिन के खास कार्यों को आप ठीक प्रकार से कर पाते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से संध्या के समय में मौन रहने से दिन भर के कार्यों से जो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है उससे आपको मुक्ति प्राप्त करने में काफी सहायता मिलती है, जिससे पारिवारिक जीवन पर बाहरी तनाव का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने कार्य क्षेत्र का, अपने ऑफिस का झगड़ा अपने घर लेकर के नहीं आते। अगर आप कुछ देर शांत रहते हैं तो वो जो आपके अंदर मना स्थिति है, जो उथल पुथल चल रही होती है, वह शांत हो जाती है। इसी वजह से प्रतिदिन सुबह और शाम के समय में कुछ समय मौन रह करके व्यक्ति को स्वयं को एकाग्र करना चाहिए, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए। तो ये था आज का महापाय, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी, धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, देखते रहिए समाचार प्लस।